आज सुबह सुबह आप सब लोगों के साथ लाइव हुआ हूँ। सभी को मेरी सत श्री अकाल, राम राम, आदाब, नून प्रणाम। साथियों, हम सब लोग सामाजिक हैं, पारिवारिक हैं। हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हम सब लोगों को अपने पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते बहुत अच्छे से निभाने चाहिए। और जब भी कोई परिवार किसी कारणवश छोटी छोटी बातों से अलग होता है, समाज के हर व्यक्ति को इस बात का बड़ा दुख होता है। समाज, अच्छा समाज उसकी चिंता करता है, कोशिश करता है कि उन चीज़ों को मिटा के एक करने की। मुझे बड़ी खुशी हुई है हरियाणा के तमाम चौधरी देवीलाल जी के भक्तों का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथियों को, इंडियन नेशनल लोकदल परिवार को, किसान को, मजदूर को, गांव को, देहात को, हर व्यक्ति को इस बात की बहुत खुशी हुई कि दो परिवार एक हुए। हर आदमी ने खुशी मनाई। पर साथियों, मुझे दुख है कि हमारे ही परिवार के लोग छोटी छोटी वीडियो बना के इस खुशी को पचा नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं समाज के अंदर गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके जहन में राजनीति है, सामाजिक ताना बाना, पारिवारिक ताना बाना नहीं है। मुझे याद है 1987 में चौधरी देवीलाल जी के परिवार को पाड़ा गया और पाड़ के व्यक्ति कांग्रेस में चला गया। उसका बहुत बड़ा खामियाजा या दुख जनता को हुआ। उसके बाद 2018 में फिर ऐसे स्वार्थी लोग ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार को पाड़ के चले गए, जिससे आम जन बहुत मायूस हुआ, क्योंकि चौटाला साहब बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। आज भी अपनी इस उम्र में भी आम लोगों के बीच में रहते हैं। खुशी की लहर दौड़ी, लोगों में उम्मीद की लहर जगी जब परिवार एक हुआ इस दफ़ा। लेकिन ऐसे स्वार्थी लोग आज छोटी छोटी वीडियो डाल के कहीं ना कहीं उनकी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। साथियों, जिन लोगों को समाज, परिवार एक होते अच्छे नहीं लगते, वो आपका क्या भला करेंगे। साथियों, आपको भी पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी बहाने से। हर चीज़ राजनीति नहीं होती, हर चीज़ में स्वार्थ नहीं देखा जाता। कई फैसले राजनीति और स्वार्थ से ऊपर उठ के परिवार के फैसले लिए जाते हैं। कई फैसले पूरे सर्व समाज को देख के लिए जाते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को पहचानने का काम करें साथियों, जो आपको भी, आपके खुद के परिवार को भी पाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी ओछी राजनीति से बचना चाहिए। ऐसी ओछी राजनीति करने वाले लोगों के जहन को पढ़ने की कोशिश करें। साथियों, हम सब का, आप सब का भविष्य उज्जवल है। सामाजिकता और पारिवारिक व्यवहार हमारे लिए अहम है, सब लोगों के लिए, क्योंकि हम सब लोग समाज के हिस्सा हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप इस चीज़ को सोचें कि कौन लोग ऐसी वीडियो डाल रहे हैं। क्या वो आपका, आपके परिवार का और इस समाज का भला चाहते हैं? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ साथियों, निर्णय भी आप पे छोड़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत।